कल के व्लॉग में थोड़ी बहुत हालत टाइट हो रखी थी मेरी, अभी भी हो रखा है थोड़ा बहुत, आवाज़ से लग ही रहा होगा ना, तो थोड़ा बहुत तबीयत गड़बड़ हो रखी है आजकल। तो अभी हम नौगोखाल जाने वाले हैं, नौगोखाल थोड़ा एक मीटिंग है, बहुत ही अर्जेंट है, और वहाँ पर हमें बेसिकली अब 12 बजे तक पहुँचना है। थोड़ा सा मीटिंग में पहले चेंजेस थे, 10:30 से 11 बजे का था पहले टाइमिंग, अब चेंज हो गया बेसिकली 12 बजे का। तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा बहुत टाइम बचा हमारे पास में ना। तो मौसम देख सकते हैं मौसम किस तरीके से हो रखा है, थोड़ा बहुत कोहरा लगा है, धुंध लगी है, और जो सन का एक्सपोजर है ना वो फुल है। मतलब कि अभी आज के टाइम पे, कल भी यूवी रेज हाई थी और आज भी मतलब काफ़ी हाई है। तो भाभी यहाँ पर लिपाई पुताई कर रही है, ये दिखाते हैं, ये वाला इंटरेस्टिंग है। तो आज ये भाभी औरों का किचन है, बेसिकली मेरे पूरे गांव में इकलौती भाभी है जिनको यहाँ पे बोलता हूँ। तो यहाँ पर पूरा, यहाँ पे आज लिपाई पुताई चल रही है, इनका किचन है और यहाँ पर एक कच्ची बना रहे हैं। तो आजकल ये है, आज के बाद मतलब कुछ स्पेशल लिपाई पुताई। अच्छा, तो साफ सफाई चल रही है बेसिकली ना, तो मुझे लगा कोई स्पेशल ओकेजन है तो इसलिए मुझे लग रहा था, तो वही चीज़ है कि चलो बढ़िया बात है। और ये भी उन्हीं की छन है तो इस पर भी थोड़ा बहुत लिपाई पुताई हो रखी है ना, अच्छी तरीके से चमक रहा है बिल्कुल चम से। और दादी ठीक चाहिए, हाँ बात किया ला ये दादी देखो ऊपर की। बहुत दिनों से बकरों को नहीं दिखाया तो आज बकरों को दिखाते हैं, और उनके लिए घास ला रखी है जल तुंगू, इससे टैटू बनाया जाता है बेसिकली, इससे ना हम लोग टैटू बनाते हैं, इससे जो पानी निकलेगा उससे टैटू बना सकते हैं। ये ले खा ले ना। तो यहाँ पे दो हैं। मैंने वैसे बहुत बार दिखा रखा है ना लेकिन चलो काफ़ी टाइम से नहीं दिखा पाया था इनको, तो अभी चलते हैं, और थोड़ा मीटिंग के लिए भी देर हो रही है तो मीटिंग के लिए भी निकलते हैं अपना। तो अभी अपनी जाने की तैयारी हो चुकी है, और उसी के साथ में आपको एक अजूबा दिखाता हूँ नया, मतलब ये कहीं देखने को मिले नहीं मिलेगा कि मतलब लूडो के उस पर कैरम खेला जा रहा है, ये गुजराती है, गुजराती है, गुजराती इधर देख बनाना, और ये देखो मतलब लूडो की उस पर कैरम खेलना। देखो हमारी एक मैच। तो अभी अपनी तैयारी हो चुकी है, अब चलते हैं थोड़ा बहुत नौगोखाल की तरफ में दिखाते हैं आपको। तो नौगोखाल में पहुंच चुके हैं, नौगोखाल में अभी नहीं पहुंचे, दरअसल हो गए एक 1.5-2 घंटे हो गए बेसिकली ना, तो जो अपनी मीटिंग थी वो कम्प्लीट हो चुका है, मीटिंग का मतलब है जो अपना काम था वो कम्प्लीट हो चुका है, अब थोड़ी देर यहाँ पर लंच करेंगे ना, काफ़ी भूख भी लग गई है, लंच का टाइम भी हो गया है। अभी जहाँ पर लंच करने के लिए आ रखे हैं, थोड़ा सा लोकेशन बढ़िया यार, ऊंचाई में है, सामने आपको स्कूल दिखाई दे रहा है काफ़ी बढ़िया तरीके से, और ये वाला रोड जो ऊपर को निकल रहा है ना वो जा रहा है वो चौबटा खाल की तरफ में, चौबटा खाल उस तरफ में, और साथ ही साथ ये वाला रोड जा रहा है धरासू की तरफ में, और ये जो रोड निकल रहा है ना ये सीधा निकलेगा किरकू के सामने, जिस रूट से अभी हम आए हैं उससे थोड़ा सा शॉर्टकट है बेसिकली, थोड़ा यहाँ से यार लोकेशन अच्छा है तो हमने इस जगह को इसलिए यहाँ पर लंच के लिए आए ना, कि लोकेशन भी बढ़िया है, ठंडी ठंडी हवा चलती रहेगी, और नीचे कहीं ना कहीं पार्किंग की भी दिक्कत होगी ना। तो अभी ऐसा करते हैं कि अपना लंच करते हैं पहले, और फिर थोड़ी देर में मिलते हैं, निकलते हुए मिलते हैं बेसिकली यहाँ से। नौगोखाल से निकले हुए लगभग 2-2.5 घंटे हो गए, और अभी पांग की तरफ में आ रखा हूँ बेसिकली ना, तो हुआ क्या था कि जैसे हम आधे रास्ते में पहुँचे तो बारिश, बहुत ही तेज़ बारिश शुरू हो गई यहाँ पे, जिसकी वजह से हमें बीच में रुकना पड़ा रुकना क्या पड़ा, यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं बेसिकली किसी का ना, तो देखते हैं, बुलाया तो है फ़ोन करके, अब लेट्स सी देखते हैं कितने देर में आते हैं, और लगभग 2 घंटे के लगभग मतलब बारिश हुई है कंटिन्यूसली ना, तो बारिश में चलाना कहीं ना कहीं मतलब पहाड़ों में रिस्की भी रहता है, तो उसकी वजह से हमने सोचा यार थोड़ा बहुत रुकते हैं, रेस्ट करते हैं, और मौसम इतना ठंडा हो गया ना भाई, मतलब पहले ही तबीयत तो ऐसी ही चल रही है, गड़बड़ चल रही है, और ऊपर से बारिश हो के मौसम और ज़्यादा ठंडा हो गया। आज देखो सामने पांग की वैली, मतलब बहुत दिनों से दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था, आज काफ़ी अच्छी बारिश हुई तो उसके अच्छे से थोड़ा बहुत अच्छा दिखाई भी दे रहा है, वैसे फिर भी मतलब थोड़ा बहुत आपको हल्का फुल्का कोहरा दिख ही रहा होगा यहाँ पे, लेकिन जो भी है आज बढ़िया है। तो आज थोड़ा बहुत
गले में दर्द हो रहा था, ये सब चीज़ें हो रही थी, तो आज एक मेडिसिन ली और गले का दर्द भी भाई ख़त्म हो गया भाई। तो बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मतलब ये है ना कि मैं 2-3 दिन से मेरे गले में बहुत ही तेज़ दर्द हो रहा था। दर्द होने की वजह से होता है ना, बोलने में मतलब मैं सही से बोल भी नहीं पा रहा था। सही से बोलने का मतलब ये है कि वर्ड सही से बोल नहीं पा रहा था। जो वर्ड है मतलब काफ़ी हैवी होते हैं बोलने में ना, हैवी के मतलब जोर लगाना पड़ता है जिनको बोलने में। तो आज एक मेडिसिन ली और मेडिसिन लेने के बाद में भाई साहब तुरंत रिलीफ, भाई तुरंत रिलीफ। मैंने कहा ये अच्छा भाई, तो बढ़िया है। और ये देख सकते हैं काफ़ी घना जंगल है बेसिकली, ऊपर को ना रोड के ऊपर में काफ़ी घना जंगल है, काफ़ी बढ़िया है, मौसम भी अच्छा है। तो अभी ऐसा करते हैं कि घर के लिए निकलते हैं, और जैसे ही घर पे पहुंचते हैं तो घर पर दिखाते हैं थोड़ा बहुत। तो अभी घर पर पहुंच गए, और घर पे पहुंचने के साथ में यार ठंडा भी मौसम बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा होने का मतलब है, मुझे लग रहा है कि 15 से तो नीचे आ गया, मतलब 12 से नीचे टेम्परेचर आ गया। ठंडियों जैसे ठंडियों में ठंड लगती ना, उसी तरीके से ठंड लग रही है। और साथ ही साथ अपना तो थोड़ा बहुत तबीयत गड़बड़ भी चल रहा था, उसकी वजह से मुझे ज़्यादा ही लग रहा है कुछ ना। तो मैंने क्या ऑलमोस्ट सभी जितने भी लोग हैं आसपास में इन गांव के, बारिश होने के साथ में जब हम इधर को आ रहे थे सभी ने स्वेटर पहन रखी थी। इसका मतलब है कि सभी को ठंड लग रही है भाई। हमारी दरअसल छन है ना, पुरानी वाली छन है, और इसमें हुआ क्या है कि जो पुरानी लकड़ी रही होगी ना, सीमेंट का भी है लेकिन सीमेंट से नीचे लकड़ी थी, और इसमें ज़्यादा लोहा यूज़ नहीं कर रखा बेसिकली सीमेंट में ना, क्योंकि इसमें लकड़ी की बल्लियाँ हुआ करती थी इसलिए नहीं कर रखा था। तो ये भी गिरकर गिर चुका बेसिकली पूरा का पूरा नीचे। और अभी के टाइम पर देख सकते हैं किस तरीके से हो गया, लकड़ी कैसी सड़ गई थी वो वाली, जितने भी पटले लगे थे ना इस पे, पूरा का पूरा सड़ गया था। और इस जगह पर हमारे बैल रहा करते थे, बैलों के लिए बना रखी थी दरअसल ना पहले, और पहले से ही जब से बैल बिके हैं मतलब ये लगाओ 8-10 साल से ये बंद का बंद ही पड़ा था, तो उसकी वजह से ये ख़राब हो गया बेसिकली, ये लकड़ियाँ सड़ गई। तो अब तो ये है कि अब इसकी छत में भी जाना कहीं ना कहीं डेंजर हो गया, क्योंकि अगर इसकी छत में जाते हैं ना, लोहा तो इसमें ज़्यादा है नहीं, तो नीचे आ जाएगा, कहीं डेंजर वाली चीज़ है भाई, संभल के जाना पड़ेगा। अब इसे पूरा का पूरा गिराना पड़ेगा और ये फिर खेत खुल जाएगा ना, खेत में कुछ और चीज़ें कर सकते हैं। और चीज़ें तो क्या करनी है, मुझे लगता है आगे चल के बनाएंगे फिर से छत, इसके अच्छे से बनाएंगे और फिर से यूज़ में आना शुरू हो जाएगा। कल शाम को थोड़ा बहुत मैंने अपने जो छन है यानी कि बैलों की छन है वो टूटी फूटी दिखाई थी, किस तरीके से टूट गई है। अभी के टाइम पर यह ना आज दूसरा दिन है बेसिकली, और दूसरे दिन आज जो थोड़ा फ्रेशनेस लग रहा है बॉडी में, अच्छा लग रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत हालत ख़राब हो ना तो बॉडी अपने आप ही मतलब साथ नहीं देती है, साथ देने का मतलब है वीकनेस आ जाती है, राइट। और जो कल की बारिश है ना काफ़ी अच्छी खासी है, तो आज पेड़ पौधे देख सकते हैं कितनी मतलब थोड़ा बहुत रौनक सी लग रही है बेसिकली, ना हरियाली आ गई है सारे पेड़ पौधों पे ना अच्छी तरीके से। मुझे अभी पता चला कि आज हमारे यहाँ पे ना देवी का रोट काटा जा रहा है, यानी कि उसका प्रसाद बनाया गया उसके नाम का, यानी कि हमारी जो गांव की पंचायती देवी है ना उपरे देवी, उनका उनकी बहुत मान्यताएं थी पहले, और मैंने वो चीज़ रिकॉर्ड भी करी थी एक बार पहले, पर मुझे अभी जस्ट अभी पता चला है ना, बोले प्रसाद लेकर जाओ। हेलो ओ, आज बता नहीं चाह पता इन चल। तो यहाँ पे प्रसाद बनाया जा रहा है, चाचा ने प्रसाद तो बनाया बनाया लेकिन अपने पे भी लगाया तेल। सर पे बाल आ जाए जल्दी। मत चल गया तो दादी को देखो, दादी उस दिन देखा होगा कब गया वो दिन पाबो। हाँ तो ये है देवी के नाम का प्रसाद जो कि गर्मा गर्म मिलता है, और कुछ यहाँ से सीधा ऊपर जाएगा मंदिर में ना, तो मतलब ये लगाओ कि अब पहले तो ये करते हैं मंदिर से आके करते थे, लेकिन अब ये कि गर्मा गर्म दे देते हैं। तो ताई सुबह सुबह घास लेकर आ गई है। तुसरू घास है। तो अभी ऐसा करते हैं कि अपना ब्रेकफास्ट करते हैं पहले, और ब्रेकफास्ट करने के बाद में कुछ और काम करते हैं, और उसके बाद दूसरा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये व्लॉग ना मैंने काफ़ी बड़ा बना दिया है, तो अभी ऐसा करते हैं कि इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और इसके बाद में दूसरा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यार आज दूसरा दिन है ना,
क्योंकि इसी ब्लॉग को कंटिन्यूसली नहीं चला सकते, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होपफुली आपने ब्लॉग इन्जॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।